हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वन क्वेश्चन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेयर फॉर्मेड। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेयर फॉर्मेड। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, द आंसर हियर इन अ पॉइंट, द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया अ पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देयर इज इम्पोर्टेंट, द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना'स लैंड। एंड बी पार्ट हियर, अ गोंडवाना लैंड इज इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका as one single landmarks. And next point here, conventionally is a quaint split their crust into a number of pieces and thereby to the leading to the draft of the Indo-Australian plate after beginning to separate it from a Gondwana land to about to the north. There is important. And next point here, the northward is a gap resulting in the collisions of the plate with their much larger Eurasian plate. There is a fourth point is the most important here. I repeat again, the oldest landmass of India is a peninsular part was a part of Gondwana land, and Gondwana land is included to India, Australia, Africa and South America as one single landmarks. And conventionally is a current is a split their crust into a number of pieces, thereby land to be a drift of the Indo-Australian plate after began to separate from a Gondwana land to about to the north. And the north land is a drift of resulting in the collision of the plate with the much larger Russian plate here. The next here, E part. Due to this is a collision, there is a sedimentary rock which were a accumulated in there is a xenosalines known as the Thares, where folded to form a mountain systems of West Asia and Himalayas. There is important, the Himalayas are represented of youthful topograph with a high peak and deep valley and fast blowing river. There is a important here, so due to the collision and sedimentary rock which were accommodated in their xenosalines known as the Thares and were folded from to the mountain system of West Asia and Himalaya. And the Himalayas represent a youthful topograph with a high peak and deep valley and fast flowing river. That is important. हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, करीबन हर एक क्वेश्चन में इसका कुछ न कुछ अंश देखने को मिला ही है। आपने हिमालय के विषय में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के रूप में आपने देखा ही होगा कि उसमें कुछ ना कुछ बात जरूर थी। यानी देखा जाए तो इस चैप्टर के अंतर्गत हिमालय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे हिमालय के महत्व के विषय में आ जाए, चाहे हिमालय के निर्माण के विषय में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पर ही सारे चैप्टर आधारित है। तो यही क्वेश्चन का जो है हमारा अगला क्वेश्चन आया है सातवां, कि हिमालय कैसे बना और इसका वर्णन कीजिए। आखिर देखा जाए तो हिमालय कैसे बना और इसके बनने में कौन कौन से कारक जो थे उत्तरदायी है, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि ये सारे क्वेश्चनों में अपना एग्जाम्पल के तौर पे था और आप अभी जो है खुद का एक क्वेश्चन है। तो हिमालय कैसे बना, कहते हैं अगर देखा जाए पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो कहते हैं भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय भाग यानी गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। यानी देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय भाग था, इसको हम गोंडवाना भूमि के नाम का हिस्सा भी कह सकते हैं। गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही भूभाग के रूप में शामिल थे। तो आपके समक्ष ये क्वेश्चन आ गया होगा, प्रश्न कि भाई जब गोंडवाना भूमि के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एक ही भूभाग थे तो आज इतने दूर क्यों है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले ये सारे के सारे आपस में चिपके हुए थे, लेकिन जैसे प्लेट में आपको पता खिसकाव आती है
तो पानी की दरारें पड़ जाती है और ये धीरे 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 जो है सभी अलग दूर थलग चले गए। तो ये आपको साफ समझ में रहना चाहिए कि पहले ये सभी एक ही पार्ट हुआ करते थे, यानी पहले के समय में देखा जाए तो कोई अधिक दूर भारत नहीं था, अमेरिका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, सब एक ही साथ हुआ करते थे। लेकिन समय बीतते हुए सब कुछ जो है बदलाव होते गया और इनके जो है प्लेटों में दरार आती गई और ये जो थे एक पार्ट से दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आने वाला समय में भी है और अभी हो भी रहा है, कई जगह देखने को मिला है। अगर मानचित्र देखोगे तो मानचित्र में काफ़ी बदलाव आ गया है, जो सैटेलाइट से तस्वीर ली जा रही है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को नज़र मिल सकता है। तो ये सब ऐसे ही होता है। कहते हैं संवहन धाराएं कष्ट को इस टुकड़ों में विभाजित करती है जिससे गोंडवाना भूमि से उत्तर की ओर अगले होने जो अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बहाव ले होता है, यानी बहाव होता है यानी ये बह जाता है, यानी संवहन धाराएं क्रस्ट की कई टुकड़ों में जो है विभाजित कर देती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जैसे गोंडवाना भूमि के उत्तर की ओर अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का जो है बहाव हो जाता है। उत्तर की ओर बहाव के परिणाम स्वरूप प्लेट बहुत बड़ी यूरेशिया प्लेट से टकरा गई, यानी देखा जाए तो उत्तर की बहाव के कारण बहुत जो है यूरेशिया प्लेट से टकरा गई और इस टक्कर के कारण टैसिस के नाम से जानी जाने वाली जुलोस्काई में जमा हुई और सारी चट्टानें मुड़कर पश्चिम एशिया और हिमालय की पर्वतीय प्रणाली बन गई। यानी देखा जाए जो ये टकराव हुई ये बहुत काफ़ी जो है तगड़ी टकराव थी और जिसके कारण जो है जिसके अवसादी चट्टानों में जो मुड़ गई और पश्चिम एशिया हिमालय की पर्वतमाला प्रणाली बन गई, यानी टकराव के कारण ही जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय उच्च चोटी गहरी छोट घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियों के साथ एक युवा संस्कृति का जो है प्रतिनिधित्व करती है। यानी देखा जाए तो हिमालय का जो है काफ़ी समय अवधि नहीं हुई है, 50 मिलियन ही मापी गई है इसको, तो 25 या देखिए 25 मिलियन मापी गई है, 50 नहीं, ठीक है, तो 25 मिलियन कोई काफ़ी टाइम अधिक नहीं होता, इसलिए इसको जो है युवा संस्कृति कहा जाता है। तो हिमालय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हिमालय के अंतर्गत कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और इसका महत्व भी है जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन होगा उसको देखने के लिए आपको त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा और इसके लिए जो है आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मोबाइल में सेव कर लेना, आपका दायित्व बन जाता है, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।